हेलो साथी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सभी का अपने परिवार के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज का वक्त हो चुका है। दोस्तों, हम रोजाना सुबह अपने 30 क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपका एक टेस्ट सीरीज भी टेस्ट भी तैयार हो जाता है। दोस्तों, आपके कितने सही होते हैं अगले 10 मिनट के अंदर दीजिएगा अपना टेस्ट। चलिएगा, पहला क्वेश्चन, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? शक, हूण, गुप्त, कुषाण, यानी इसमें से कौन था वो, किसने गणराज्य व्यवस्था उसे सदा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था? वो था दोस्तों हूण। अगला प्रश्न, महाजनपद में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे मत्स्य, अवनति, एवं विदोनो या मगध। महाजनपदों में से राजस्थान में महाजनपद कौन सा था इनमें से? तो आपके मत्स्य और अवनति दोनों थे, एवं भी दोनों सही हो जाएंगे। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल मीणा, लिंबाराम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो अर्जुन पुरस्कार भी आपके श्यामलाल मीणा को मिला है और लिंबाराम को भी दिया गया है। ऑप्शन सी इनका आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का में खेल जगत का सर्वोच्च आपका सम्मान दिया जाता है कौन सा? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों, कौन सा दिया जाता है अगर खेलों की श्रेणी में पूछा जाए खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान? तो खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, डी ऑप्शन। राजस्थान में लिंबाराम का प्रसिद्ध है दोस्तों, लिंबाराम को दोस्तों अवार्ड भी दिया जाता है, लेकिन इनका संबंध किससे हो जाएगा? कबड्डी, गायन, तीरंदाजी या कुश्ती। लिंबाराम है इनका प्रसिद्ध दोस्तों, आपका संबंध पूछ लिया जाए तो आपका तीरंदाजी से संबंध हो जाएगा, ऑप्शन सी। मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था? सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मास्को ओलंपिक में तो इसमें दोस्तों आपके सुनीता पुरी और वर्षा सोनी दोनों के द्वारा किया जाता है, ये दोनों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी या तैराकी। जो आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, इनका संबंध निशानेबाजी से संबंध हो जाएगा, सी ऑप्शन। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, दर्शवती, सरस्वती, एवं विदोनो या गंगा। अगर बात की जाए राजस्थान में दोस्तों, द्वेष्वती और सरस्वती ये दोनों ही प्रवाहित थी, लेकिन वर्तमान में यह सूख गई है एकदम। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में या जोधपुर के दक्षिणी भाग में? राजा विराट नगर की राजधानी थी ये, दक्षिणी के राजपुर के दक्षिणी जो भाग था वहां पर दोस्तों। राजस्थान में कितने, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़पाई स्थल है दोस्तों? सोथी, कालीबंगा, एवं विदोनो अहड़। सोथी से भी मिलते हैं दोस्तों और कालीबंगा से भी मिलते हैं, एवं विदोनो। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा। ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी, तो सबसे पवित्र नदी हो जाएगी सरस्वती नदी। सिकंदर महान के आक्रमण के बाद पंजाब से राजस्थान से स्थानांतरण करने वाली जातियां थी? सिवी, अर्जुन नयन, योद्धे, मालव या सभी। दोस्तों, सिकंदर महान के आक्रमण के बाद पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित होने वाली सिवी भी थी, योद्धे, अर्जुन यान, नयन और मालव, ये सभी थी, ऑप्शन फोर्थ। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, 14 नवंबर 1972। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना ये होती है 14 नवंबर 1972 के अंदर दोस्तों स्थापना की जाती है। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान में क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया दोस्तों? 1947, 1957, 1967, 1977।
1957 के अंदर किया जाता है दोस्तों आपका राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1948, 1950, 1970, 1980। बास्केटबॉल की शुरुआत, और बास्केटबॉल की शुरुआत होती है आपकी कब है? 1948 को। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। राजस्थान का राजकीय खेल, राजकीय खेल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर फोर्थ। राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ बनता है दोस्तों? दौसा के अंदर, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। खेल कूद की सामग्रियां दोस्तों कहां पर बनाई जाती है इसके बारे में बताना है, तो ये आपके हनुमानगढ़ में, ऑप्शन थर्ड। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर। अगर बात की जाए राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ पूछ लिया जाए तो यह आपका हो जाएगा अजमेर से। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड या अर्जुन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में, अर्जुन राम सॉरी अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में या अर्जुन पुरस्कार के समांतर? महाराणा प्रताप पुरस्कार, ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1992, 1993, 1994, 1995। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की बात करे तो यह कब की जाती है? 1994, 1994 के अंदर। राजस्थान में लिंबा राम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? लॉन टेनिस, लेबल टेनिस, तीरंदाजी या तैराकी? लिंबा राम का अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन किया था तीरंदाजी से। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया था? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। सती प्रथा को सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास दोस्तों बात की जाए तो यह किया गया था किसके द्वारा? जयपुर रियासत के द्वारा। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ, सिरोही। सातवें चरण के अंदर, तो सातवें चरण में बात की जाए अजमेर और माउंट आबू दोस्तों। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया? 1947, 1949, 1950, 1956। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दोस्तों दिया जाता है ये जाता है 1956 के अंदर, 1956। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? मुकुल भाई भट्ट, ये गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री जी थे। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 8 मार्च 1950, 25 मार्च 1956। राजस्थान नाम दोस्तों, राजस्थान नाम दिया जाता है 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सेकंड। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1948, 1949, 1950, 1951। राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया, और यह होती है 1948 को दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आहुआ, जयपुर। 1857 की क्रांति का ये जो आपका केंद्र नहीं था दोस्तों ये पूछा गया आपसे तो आपका जयपुर नहीं था। राजस्थान में विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधार के भी थे, मानकरण सारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास सारदा, सी के एफ वोल्टेयर। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वो आपके हो जाएंगे कौन से दोस्तों? हरविलास सारदा। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत के में प्रजामंडल की स्थापना हुई? मेवाड़,
अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत या प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जी आपके जयपुर रियासत प्रजामंडल की स्थापना होती है। चलिए बताइए 30 में से कितने सही हुए।